नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक्सपीरियंस फार्मर यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे न्यू लैंड 3510 जो कि 35 HP का ट्रैक्टर है। इसके पीछे शक्तिमान का 10 फीटा रूटावेटर है। यह शक्तिमान का 10 फीटा रूटावेटर है। और इसके ब्लेड जो इतने घिसे हुए हैं। ये 35 HP का ट्रैक्टर है सिंगल क्लच में, और दोनों लीवर डाउन करके जो ये ज्वार का जो क्यारा है इसके अंदर, यह जो है थोड़ा गिल्ली मिट्टी भी है लेकिन इसके अंदर दोनों लीवर डाउन करके 35 HP का ट्रैक्टर 10 फीट रूटावेटर को आराम से खींच लेगा। और यह 35 HP का सिंगल क्लच ट्रैक्टर है, और यह है 2013 मॉडल न्यू लैंड 3510। और इस ट्रैक्टर की लिफ्ट कैपेसिटी 1500 kg की है जो कि आप देख सकते हो। और 33 HP का इसका PTO है, PTO HP है इसकी 33। और यह मैनुअल स्टेयरिंग के साथ में। अब हम आपको दोनों लीवर डाउन कर करके और फर्स्ट लो, सेकंड लो, थर्ड लो में चला करके दिखाएंगे। और यह 1500 RPM पे चलेगा। इसके जो 13 6 था इसके पिछले टायर है। ये देखिए शक्तिमान का 10 फीटा रूटावेटर आप पीछे देख सकते हो, इतना बड़ा कचरा है, ज्वार है, और इसके जो है इतना मिट्टी में मिला रहा है। देखिए 1500 RPM 10 फीटा शक्तिमान का रूटावेटर फर्स्ट लो में चल रहा है ट्रैक्टर, लेकिन ट्रैक्टर की चाल बहुत ज्यादा है। ये देखिए ज्यादा गिल्ली भी नहीं है मिट्टी, ट्रैक्टर आराम से चल रहा है। देखिए सेकंड लो में चल रहा है ट्रैक्टर। न्यू हॉलैंड 3510 35 HP का ट्रैक्टर है, मात्र 35 HP का। अब इसके 30 रुपए का लो लगाया जाएगा। ये देखिए ट्रैक्टर भाग रहा है, पूरा भाग तो रहा है लेकिन जो है पीछे कचरे को मिट्टी में नहीं मिला रहा है बिल्कुल भी। ट्रैक्टर को पता नहीं लग रहा है कि 10 फीटा रूटावेटर लगाया हुआ है। ये 15-15 की दो सबमर्सिबल मोटर को अल्टरनेटर के ऊपर आराम से खींच लेता है, लेकिन जो BT न्यू हॉलैंड और जो ट्रैक्टर हैं बड़े बड़े उनको हमने आजमा के देखा था, वो नहीं चले, लेकिन इसने चला दी। ये ट्रैक्टर पता नहीं किस हिसाब से बनाया गया, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर ट्रैक्टर है। ये देखिए थर्ड लो, पहलो लगा, पहलो पहलो लो, और ये जो पहले से एक गेड़ा जो है रूटावेटर का लगा हुआ, ये दूसरा गेड़ा है इसका। न्यू हॉलैंड 3510 35 HP का ट्रैक्टर है, मात्र 3 सिलेंडर इंजन के साथ है, फर्स्ट लो में चल रहा है, पहले के लो गेयर में चल रहा है ये 10 फीटा रूटावेटर के साथ। और जो लिफ्ट है, लिफ्ट फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं है, 0 की भी है इसकी, ऊपर वाले ही टॉप में डाला हुआ है। ट्रैक्टर की साफ सफाई बहुत है, बहुत ज्यादा संभाल कर रखते हैं ट्रैक्टर को। देखिए दूसरे राउंड में फर्स्ट के दो में दोनों लीवर डाउन है। दोनों लीवर डाउन किए हुए हैं। 1500 RPM 10 फीटा रूटावेटर दूसरी बार जुताई हो रही है। दोनों लीवर डाउन किए हुए हैं, पहले के लो गियर में चल रहा है। बिल्कुल ऐसे खाली खाली से चल रहा है जैसे ये रास्ते पर चलता है, कुछ पता ही नहीं लग रहा है इस ट्रैक्टर को। अब हम आपको 1500 RPM में देखेंगे तीसरे के दोनों कितने चक्कर तोड़ता है। ये देखिए मुश्किल से 100 चक्कर इसने तोड़े हैं।
और 10 फीट का रोटावेटर है पीछे, 10 फीट का रोटावेटर है तो बहुत बड़ा। मैंने तो कभी मेरे ट्रैक्टर के पीछे नहीं चला करके देखा इसको। ये देखिए मोड़ में थोड़ा जो है ट्रैक्टर को लोड है, लेकिन सीधा होने के बाद में ट्रैक्टर को कुछ भी पता नहीं लग रहा। पीछे आप पता ही देख सकते हो ट्रैक्टर की भीड़। बार है उसको इतनी ज्यादा तो मिट्टी में नहीं मिला रहा है, लेकिन बहुत अच्छा चल रहा है। ये देखो 1500 RPM, कोई बात। अब हम इसको 1000 RPM पर चला करके देखेंगे। ये देखिए पूरे 1000 RPM है, 10 फीट रोटावेटर के साथ, सिंगल क्लच ट्रैक्टर है। पीछे देखो आप लक्कड़ उखाड़ रहा है, पूरा बैठ रहा है जमीन के अंदर रोटावेटर। ज़्यादा गिल्ली मिट्टी तो नहीं है और ज़्यादा सूखी मिट्टी भी नहीं है। ये देखिए 1000 RPM तो चल रहा है, 200 चक्कर डाउन किए हैं इसने थर्ड लो गियर में। ये खेत एक बार तो जुत चुका है और दूसरी बार में हम इस तोई को थोड़ा ऊपर उठा देते हैं एक सुराख। अब जो है इस तोई को हम एक सुराख ऊपर कर देंगे ताकि रोटावेटर जो है ज़्यादा अंदर तक बैठ सके। डालें इसको ऊपर करके देखते हैं कि कोई ट्रैक्टर पर लोड पड़ता है या फिर नहीं। शायद से नहीं पड़ेगा, हो सकता है लोड ज़्यादा आ भी जाए, तभी पता चलेगा 35 HP ट्रैक्टर का। अब जो हमने इस तोई को थोड़ा ऊपर उठा दिया है, एक बार तो खेत जुट चुका है, दूसरी बार इसको जोत देंगे। सो या 1600 RPM है, खेत दूसरी बारी में जुत रहा है। और पीछे देखिए आप, पहले ही है एक बार में है ऐसे तो एक बार में जैसे कचरा जो है मिट्टी में धरता है थोड़ा थोड़ा, और दूसरी बारी में देखिए आप लगभग लगभग काम खत्म हो रहा है। तीन बारी में जो है पूरा कचरा खेत के अंदर ही मिल जाएगा। एक और खास बात बता दूं मैं आपको इस ट्रैक्टर की, ये ट्रैक्टर 15 की जो है 2 सबमर्सिबल मोटर को खींच सकता है, और बड़े ट्रैक्टर जो है वो नहीं खींच सकते। वो तेल बहुत ज़्यादा लेंगे, खींच भी लेंगे तो हमने इसे हाथ में आके देखा, बिल्कुल छोटा सा ट्रैक्टर 35 HP का। ये देखिए दूसरी बारी जुताई में RPM 100 चक्कर तोड़कर चल रहा है और दोनों लीवर जो है डाउन है फर्स्ट लो में। अभी इस ट्रैक्टर से दूसरी बार जुताई की जा रही है। ये देखिए और नहीं कर रहे थे तो ट्रैक्टर जो है 10 RPM 100 RPM तोड़ करके चल रहा था, लेकिन अब जो है 150 RPM तोड़ कर चल रहा है ट्रैक्टर। और ट्रैक्टर टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं उठाया ट्रैक्टर ने। यहाँ से एक बार खेत जुत चुका है और यहाँ से तीन बार, तीसरी बारी में जो है मैं यहाँ से लेकर के आया था ट्रैक्टर को। वो बहुत ज़बरदस्त ट्रैक्टर है, बड़े जो है बड़े बड़े ट्रैक्टरों को मात दे देता है, बहुत अच्छा ट्रैक्टर है। इसमें सिम्पसन का इंजन दिया हुआ होता है। ये देखिए आप, कंपनी फिटेड आपको जो है वेट दिए जाते हैं इसके अंदर। इसके टायर 12 के टायर आते हैं कंपनी फिटेड, लेकिन इसमें जो है 13 के टायर डलवाए हुए हैं। लेकिन 13 के टायर डालने के बाद भी जो है ट्रैक्टर के इंजन पे जो है कोई भी लोड नहीं पड़ा, और ऑयल बाथ हेयर क्लीनर दिया हुआ है। बॉडी के अंदर ही जो है लाइटें दी हुई इसकी, और ये आगे भी इसके अंदर वेट आता है, मैनुअल स्टेयरिंग के साथ में है। और जो इसका रियल एक्सल है वो एपिकल रिडक्शन में दिया हुआ है। तो अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। यह था न्यू लैंड 3510 जो कि 35 HP का ट्रैक्टर है। धन्यवाद।